नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन बोविस्टा के बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या लक्षण हैं और ये किन किन बीमारियों में यूज की जाती है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, बोविस्टा जिसका कॉमन नेम पफ बॉल है, ये किन किन अंगों पे वर्क करती है इसके बारे में जानने सबसे पहले स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे है। ये स्पेशली फीमेल जेनिटल ऑर्गन पे वर्क करती है, स्किन पे वर्क करती है, ब्लड पे वर्क करती है, एब्डोमेन पे वर्क करती है और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी वर्क करती है। तो सबसे पहले इसके कुछ लक्षण आपको बता दें कि ये किन पेशेंट पे ज़्यादा वर्क करती है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये बोविस्टा का पेशेंट है। तो इसका जो पेशेंट होते हैं ये स्पेशली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन पे वर्क करती है, तो ये स्पेशली फीमेल पे ज़्यादा वर्क करती है, उन महिलाओं पे जो विधवा महिला हैं, यानी कि बोविस्टा को विडो या मेड रिमेडी भी कहा जाता है, विधवा महिलाएं या उन महिलाओं को जो घरेलू वर्क करती है, जैसे दाई वगैरह या घर में काम करने वाली बूढ़ी महिलाओं जो कि 40-50 से अबव का जो उम्र होता है, उन लोगों पर ये जो है सो बहुत अच्छी वर्क करती है। सबसे पहले हम इससे बात करते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेड में जो घर में काम करने वाले मेड होते हैं उन पर, या जो विडो होते हैं उन फीमेल पर ये अच्छी वर्क करती है, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज या जब उनका पीरियड जो होता है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है उसमें और बहुत दिनों तक बना रहता है, यहाँ तक कि 10-12 दिन तक ब्लीडिंग होता रहता है। और ये ब्लीडिंग में एक ये खासियत होती है कि काला होता है और थका थका के जैसे ब्लीडिंग होता है, फ्लो जो होता है प्रोफ्यूज होता है और वो फ्लो जो होता है आपको क्या कहते हैं वो एस्ट्रिंजी होता है, यानी कि एक पतला तार नुमा रिश्ता है जैसे उस तरह का होता है। और इसका ड्यूरेशन जो होता है, टाइमिंग जो होता है वो स्पेशली नाइट में होता है, दिन में नहीं आता है। ब्लीडिंग नाइट में ही होती है, दिन में नहीं होती है। और मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो स्टार्ट होता है वो भी रात में ही स्टार्ट होता है, दिन में पता नहीं चलता है। और इसमें एक ये भी एक खास बात देखा जाता है कि पीरियड आने से पहले और पीरियड होने के समय, यानी कि जिस समय पीरियड का टाइमिंग है या उससे पहले, डायरिया हो जाता है जो कि बहुत परेशानी होता है। और इसमें पीरियड जो है रेगुलर तो होता है, लेकिन मतलब महीने में 2-2 बार भी हो जाता है। इसमें एक चीज़ और आपको लक्षण देखने को मिलेंगे कि पीरियड ख़त्म होने के
10 दिन के बाद यानी कि जिस समय जिस दिन पीरियड खत्म हुआ उससे 10वें दिन ल्यूकोरिया स्टार्ट हो जाएगा और ल्यूकोरिया का प्रोफ्यूज जो होगा जो ब्लड का ल्यूकोरिया का जो फ्लो होता है वो भी स्ट्रिंजी होता है यानी लार के नुमा नीचे रिसता है और वो हैवी होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और उसमें भी कुछ ब्लड के अंश इसमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको ये एक देखने को मिलेगा कि जब कभी भी ल्यूकोरिया है या पीरियड है तो इसमें क्या होता है पेशेंट को कि कमर में जो कपड़े होते हैं अगर वो टाइट पहनते हैं, टाइट बैंड करते हैं कमर में, तो उससे इनको परेशानी बढ़ जाती है और इनके जो जेनिटल ऑर्गन हैं उसमें भी पेनफुल महसूस होता है, ख़ास करके वाल्वा जो होता है सर्विक्स के साथ वाल्वा वेजाइनल में जो वाल्वा होते हैं तो जिसमें प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो चलने में भी परेशानी होती है। ये प्रॉब्लम आपको ल्यूकोरिया में भी देखने को मिलेंगे, मेनोरेजिया में भी देखने को मिलेंगे और पीरियड में भी देखने को मिलेंगे। इस पेशेंट को चारकोल के जो धुएँ होते हैं यानी कि कोयला का जो धुआं होता है उससे सफोकेशन फील होता है, उससे उसको जैसे लगता है कि एस्फेक्सिया हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और इनको जो है हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। ये ऑक्सीपिटल हेडेक होता है यानी कि पीछे का दर्द रहता है जो कि ज़्यादातर मॉर्निंग टाइम में होता है, स्पेशली इन मॉर्निंग होता है और वो बहुत ज़्यादा होता रहता है और जैसे जैसे दोपहर होता है दिन ढलता है तो सर दर्द आराम हो जाता है। अब बात करते हैं चेहरे पे पिंपल्स आ जाती है गर्मियों के दिनों में, अगर कॉस्मेटिक क्रीम या फेस वाश या कुछ भी कॉस्मेटिक आइटम अगर यूज करती है गर्मियों के दिनों में तो चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, ये इसका एक पिकुलियर सिम्टम्स है, बहुत ही अच्छा है। और जब कभी भी कोई भी बीमारी अगर आती है तो इन्हें लाइट से प्रॉब्लम होता है यानी कि तेज रोशनी इस पेशेंट को उस भविष्टा को पेशेंट को अच्छी नहीं लगती है, उसे भाती नहीं है, उसमें ये बीमारी बढ़ जाता है। ये एक तरह का मेंटल सिम्टम है जिससे भविष्टा में आप देख सकते हैं। दोस्तों एब्डोमेन के बारे में जैसे बोला तो उसमें जैसे मैंने बोला कि ड्यूरिंग मेंसेज और बिफोर मेंसेज डायरिया होता है, उसके साथ साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कॉलिक होता है और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि लाल रंग का पेशाब होता है, पेशाब का जो कलर होता है वो लाल होता है और इसमें जो होता है जब वो कुछ खाना खाती है डायरिया में कुछ खाती है तो उसको रिलीफ महसूस होता है और वो ज़्यादा कस के या टाइट कपड़े पर पहनना पसंद नहीं करती है। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि इनश होता है उसमें इचिंग होती है, जैसे स्किन की बात करें तो इसमें छोटे छोटे इरप्शन होते हैं जिसमें से म्यूकस के जैसे कुछ निकलता है, उसमें जो है सो जैसे आप अर्टिकेरिया को मान लें कि अर्टिकेरिया होता है उसमें चकत्ते होते हैं, इचिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा इचिंग इसमें होती है बोविस्टा में, आप नोट कीजिएगा अर्टिकेरिया में कि वो इतना इचिंग होता है कि उसको स्क्रेच करते करते जब तक ब्लड ना आ जाए तब तक पेशेंट उसको खुजला
खिलाता रहता है। जब भी ब्लड का थोड़ा सा भी अंश आता है अर्टिकेरिया में या स्किन इरप्शन में, बॉडी में कहीं भी अगर है, तो इसमें इतनी ज़्यादा खुजलाहट होती है कि पेशेंट खुजलाते खुजलाते उसमें से ब्लड निकाल लेता है, तब जाके उसे रिलीफ महसूस होता है। तो इस कंडीशन में अगर इस तरह की कोई भी स्किन डिजीज अगर आप देखें, अगर इसमें ये इचिंग प्रोमिनेंट है, रिलीफ आफ्टर ब्लीड्स, स्क्रैचिंग करने के बाद जब ब्लीडिंग थोड़ा सा भी आ जाए और उसके बाद रिलीफ मिलता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोविस्टा ही उस लक्षण की एकमात्र और महाऔषधि के रूप में जानी जाती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन है जो एक्यूट होते हैं, यानी कि सर्दी जो होती है उसमें पतली सी तार के जैसे एस्ट्रेंजी निकलती है और नाक जाम रहता है, उस कंडीशन में आप जो है सो बोविस्टा का यूज कर सकते हैं। वो कंडीशन आपको काली बाइक्रोम में भी देखने को मिलेगा। काली बाइक्रोम में भी सर्दी का जो निकलता है, जो प्रोफ्यूजनेस होता है, वो भी तार के जैसे एकदम धागा नुमा निकलता है। ये कंडीशन आपको बोविस्टा में भी देखने को मिलेगा, लेकिन बोविस्टा में ये कंडीशन ये है कि आपको ओल्ड एज की फीमेल में देखने को मिलेगा, जो मेट्रेजिया के शिकार है, जिनका ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, उस तरह के कंडीशन में ये अगर सर्दी का लक्षण दिखाई दे तो आप उसमें भी उसको यूज कर सकते हैं। और इनको ये भी होता है कि मेट्रेजिया और लिक्विडिया के कारण इनको ओवरी में सिस्ट हो जाता है, जिसे पैरा ओवेरियन सिस्ट भी कहते हैं, उसमें भी ये दवा बहुत ही अच्छी वर्क करती है। आप इसके लक्षण के अनुसार बोविस्टा को दें और ये सिस्ट जो है सो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज, यानी कि ये हमारे एक्सट्रीमिटीज में जो ज्वाइंट है उसमें भी जो पेन है, दर्द होता है, जैसे कमर में दर्द होता है, जैसे आपने मैंने बताया कि जब वो टाइट बैंडेज क्लॉथिंग का करती है, जब कपड़ा टाइट पहनती है तो उनको दर्द महसूस होता है, जिसके साथ साथ कमजोरी भी ज़्यादा रहती है, और छोटे छोटे जैसे एल्बो ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट हो गया, उसमें भी दर्द होती है ड्यू टू मेट्रोडेजिया एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण ये प्रॉब्लम होती है। इसका एक जनरल सिम्टम्स ये भी है, आप ये भी आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है, कहीं पर फ्रैक्चर हुआ है, एक्सीडेंटल फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, ओडिमा प्रेजेंट कर जाती है और उसमें दर्द होता है। अगर उसको कपड़े से अगर बांधते हैं, जैसे प्लास्टर आप करते हैं सर्जन, तो उसको अगर ज़्यादा ज़ोर से बांधते हैं उसमें दर्द असहनीय होता है, उस कंडीशन में भी आप बोविस्टा का यूज कर सकते हैं। इसमें एक खास बात और भी है, आपको गर्मी के दिनों में, जैसे मैंने बताया कि फेस पे अगर कॉस्मेटिक यूज किया जाता है तो पिंपल्स आ जाते हैं, उसी तरह से गर्मी के दिनों में पसीना निकलता है तो हमारे जो एक्जिला है, इसे एक्जिला कहते हैं, इस पे ओनियन के जैसा स्मेल आता है, मतलब आपका पसीना जो आपके एक्जिला में भर जाता है और उसमें से जो स्मेल आती है वो प्याज के जैसे, गंध के जैसे आपको महक उसमें से आती है। ये एकदम पिकुलियर सिम्टम है, इसमें आप बोविस्टा का यूज कर सकते हैं और इससे ये एक्सिला में जो स्वेटिंग होती है, जो ओनियन के जैसे स्मेल आती है, उससे आप बिल्कुल ही बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं।
इसमें जैसे मैंने बताया कि स्किन के इरप्शन होते हैं, इसमें एक्जिमा भी आपको देखने को मिलेंगे। एक्जिमा मोटा होगा, एकदम क्रस्टी होगा, और उसमें जो इचिंग बहुत ज़्यादा होगा। ये कंडीशन आपको प्रूराइटिस में भी देखने को मिलते हैं। महिलाओं में प्रूराइटिस हो जाता है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन में स्वेलिंग और इचिंग भी होती है, उसमें भी प्रूराइटिस में भी ये अच्छे वर्क करती है और वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होता है। और जब कभी वो स्नान करती हैं, जिनको स्किन का प्रॉब्लम होता है, और वो जब बाथिंग करती है तो उससे आराम मिलता है। दोस्तों, ये एक बीमारी प्लेगेरा होती है, जिसके बारे में आप अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर प्लेगेरा का सिम्टम्स आपको दिखने को मिले तो उसमें भी बोविस्टा अच्छी वर्क करती है। तो दोस्तों, ये थे बोविस्टा के ड्रग पिक्चर, यानी बोविस्टा किन किन बीमारियों में वर्क करती है, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपसे चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड फैमिली सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमसे अपडेटेड रहे, हमसे जुड़ते रहे और नए नए वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने अभी जो बताया, इसमें अगर आप लक्षण दिखते हैं तो उस कंडीशन में आप बोविस्टा का यूज कर सकते हैं। अकॉर्ड इसका जो पावर है कि कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो नॉर्मली बोविस्टा को 30 पोटेंसी में यूज कीजिएगा, 4 गोली सुबह दोपहर शाम। या अगर आपको इसके लक्षण मिलते हैं, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे मैसेज करके आप सिम्टम्स बता सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बोविस्टा के जो लक्षण हैं, उसमें जो डोज होनी चाहिए, आपके उम्र के अनुसार मैं आपको उचित परामर्श दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ उस परामर्श से आप बिल्कुल ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।